Virat Kohli heaps praises on Akshar Patel. Ajaz Patel opines on his bowling switch. Ashes 2021-22, England announces 12-man squad for the first test match. Guys, how are you? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, एकदम खुश. बस खुश रहो और क्रिकेट के अपडेट्स लेते रहो, वही चाहिए. क्रिकेट फैंस के लिए वो अपडेट्स ना बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, जो एकदम मन को खुश कर देती है, वैसे ही होते हैं क्रिकेट अपडेट्स क्रिकेट फैंस के लिए. तो हम लेकर आते हैं ना अपडेट्स आपके लिए न्यूज़ ट्रैकर पर. एंड गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो, आप ही का फ़ायदा है. तो और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए ना जाकर एंड में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. ठीक है, चलो अब विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इंडियन स्किपर विराट कोहली हैज बैक्ड अक्षर पटेल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ द लैटर स्टेज फिट एंड वर्क ऑन हिज ऑलराउंड स्किल्स. मतलब क्या शानदार उनका टेस्ट करियर रहा अभी तक. 5 टेस्ट मैचेस में 36 विकेट्स ले चुके हैं अक्षर पटेल. 5 विकेट हॉल्स एंड 1 10 विकेट हॉल. कमाल है. कोहली सेड अक्षर इज ऑब्वियसली इज एन ऑलराउंडर क्रिकेटर. हिज स्किल सेट्स प्रोवाइड अ गुड बैलेंस टू एनी टीम ही प्लेज फॉर. प्रिसाइजली व्हाई ही इज परफॉर्मिंग वेल फॉर सो लॉन्ग इन T20 क्रिकेट एंड टेस्ट टू व्हेनेवर ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी. एट द मोमेंट ही इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट फेज एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस. आई होप ही स्टेज फिट एंड हंग्री टू प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम. So guys, what do you think? Do you guys agree with Virat Kohli? Do let us know in the comment section below. Guys, Ajaz Patel is the cynosure of the cricketing world right now. I mean, he created history in Mumbai by becoming just the third bowler to scalp all the 10 wickets to fall in a test innings. And now he has opened up on a special performance in the test match against India. He said, "It's been a special outing for me. It was always a dream to play here at Wankhede and to achieve something like this. It's not only special for me but for my family as well." He also added that he made a great choice of switching to spin bowling and he went through a lot of hard work to develop his craft. Guys, what do you think? Ajaz Patel, agar abhi tak fast bowling kar rahe hote, to kya wo itne successful hote? Do let us know in the comment section below. England have announced a 12-man squad for the first Ashes test starting at the Gabba in Brisbane on Wednesday 8th of December. Aur James Anderson pehle test match mein nahi dikhenge kyunki England team chahti hai unka workload manage karna. England's 12-man squad for the first test match: Joe Root, Stuart Broad, Rory Burns, Josh Butler, Haseeb Hameed, Jack Leash, Devon Malan, Ollie Pop, Ollie Robinson, Ben Stokes, Chris Woakes and Mark Wood. So guys, what do you think? कि जेम्स एंडरसन के टीम में ना होने से क्या ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलेगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो गाइस, अब मैं चलता हूं. इतने में इतना ही मिलेगा. कितने सारे अपडेट्स दिए ना मैंने आपको, हो गई ना तबीयत खुश? तो इसी खुशी में अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया तो. और मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. तो गाइस, अब मैं नहीं, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट किया है? आप गए हो वहां टेलीग्राम चैनल पर? अरे आप जाओ वहां पर, इतने भर भर के क्रिकेट के अपडेट्स हैं, आपकी तबीयत और ज़्यादा खुश हो जाएगी. अब एक बार जाओ विजिट करके आओ. हाँ, तो मैं चलता हूँ, आप वहाँ पे विजिट करो. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.